तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल डे का जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे याद रखना है और कौन सा डे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली में क्या क्या जो डे आता है फैमिली, तो पहले होता है देखिए फादर्स डे और मदर्स डे। मदर्स डे और फादर्स डे, इसको कैसे याद करना है कि मदर फादर। सबसे पहले फैमिली में माँ को दर्जा दिया जाता है, माँ का जो पोजीशन है फैमिली में सबसे आगे दिया जाता है, उसके बाद फादर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए मदर डे जो है सेकेंड संडे है और फादर डे जो है थर्ड संडे है। मदर डे जो है देखिए मई में है और फादर्स डे जून में है। ठीक है, और मदर से आपको याद रखना है, माँ से याद रखना है मई। मई महीना जो है माँ से आपको याद रह जाएगा मई, और फादर उसके अगले दिन जो अगले महीना आता है, और ये सेकेंड संडे को आता है, ये थर्ड संडे को आता है। ठीक है, ये तो दोनों तो याद रहेगा फैमिली। और देखिए इंटरनेशनल जो फैमिली डे है, इंटरनेशनल फैमिली डे जो है 15 मई है। तो फैमिली में मेन जो पोजीशन है माँ का है, तो इसीलिए मैं आपको याद रह जाएगा। और फैमिली में एक फैमिली में क्या आता है, मदर और फादर का दोनों को अगर ये देखे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन देखे, तो 50-50% शेयर रहता है। ठीक है, तो फैमिली में फादर और मदर का, तो मई महीने का 50-50 शेयर करेंगे तो आधा मई आएगा, 15 मई आएगा। तो 15 मई ऐसे ही याद रख सकते। और नेशनल चिल्ड्रंस डे जो होता है, ठीक है, तो फैमिली हो गया, फादर मदर हो गया, उसके बाद ही चिल्ड्रेन आएगा। तो इसके जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे होता है वो होता है 14 नवंबर को। ये मुझे उम्मीद है कि सबको याद रह जाएगा और याद है अभी सबको। ठीक है, ये नेशनल है। और देखिए चिल्ड्रेन डे और एक है जो वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे है, जो दोनों में क्या होता है कन्फ्यूज़न में आ जाता है बहुत लोग। तो इसीलिए क्या करना है, देखिए ये तो नेशनल चिल्ड्रेन डे जो है इंडिया का जो है नेहरू बर्थडे, ये तो सबको याद रह जाएगा। लेकिन वर्ल्ड जो चिल्ड्रेन डे है 20 नवंबर को आता है, जो 6 दिन बाद फिर आता है 20 नवंबर को, वो होता है वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो नेशनल होता है बाद ही आता है वर्ल्ड वाला लास्ट में आता है, पहले आता है इंडियन वाला। तो 14 और 20 नवंबर ऐसे याद रखिएगा, ये याद रह जाएगा आपका चिल्ड्रेन डे नेहरू बाग, तो ये भी आपको याद रह जाएगा वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे, ये भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट के देखते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट डे है 5 जून, ये सबको पता है और याद भी है, सबको बचपन से पढ़ रहे हो। ओके, 5 जून, इसका कोई टिक्स नहीं, ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई टिक्स ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। और जो 3 है इसके साथ जुड़ा हुआ, एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, वाटर आता है, अर्थ आता है और बायोडाइवर्सिटी आता है। ओके, वाटर, अर्थ, बायोडाइवर्सिटी, दोनों क्या है देखिए, दोनों 22 को आया है। ओके, मार्च अप्रैल मई, MAM, मार्च अप्रैल मई, तीनों जो मंथ है वो भी सीरियल वाइज है। ठीक है, 22 मार्च को है वाटर डे, 22 अप्रैल को है अर्थ डे, 22 मई को है बायोडाइवर्सिटी डे। तो इसके लिए टिक्स कैसे याद रहना है, 22 मैम वेब, 22 मैम वेब, इसमें आप 22 याद रखते हैं, तो मैम मतलब मार्च अप्रैल में, ये तो याद ही रह जाएगा। और वेब के लिए देखिए वाटर, ई फॉर अर्थ और बी फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे है, ये तो सबको याद है ना, अगर वर्ल्ड यूथ डे दे दें उसके जगह पर तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये भी 12 को आता है लेकिन अगस्त में आता है, 12 तो रहेगा, अगस्त कैसे याद रखना है, अगस्त मंथ जो है वो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, अगस्त ऐसे याद रखना था, जो इंडिपेंडेंस हुआ था किसके लिए हुआ था, जो इंडिया का यूथ है उसके लिए हुआ था, तो यूथ का बहुत पावर है ये मानता है, तो इसीलिए इसके साथ याद रखना है वर्ल्ड यूथ डे। ये इसमें प्रोफेशनल दिया हुआ है, डॉक्टर, नेशनल टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, इंजीनियर डे, नेशनल लॉ डे, नेशनल नर्स डे। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। ये पहला है डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई, ये क्यों होता है, विधान चंद्र राय का बर्थडे, डॉक्टर विधान चंद्र राय जो है उसका बर्थडे है ये, उसके हिसाब से बनाया जाता है 1 जुलाई। तो इसको याद ऐसे रखें, जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ, कोई भी घर में बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले किसको, डॉक्टर को बुलाते हैं, तो इसके लिए जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ। तो जल्दी से याद रखना है जुलाई, 1 से याद रखना है 1 जुलाई,
डॉक्टर से याद रखना है डॉक्टर्स डे, तो जल्दी एक डॉक्टर बुलाओ, इसे आप याद रख सकते हो। डॉक्टर डे जो है 1 जुलाई को है। नेशनल टीचर डे जो आता है 5 सितंबर को आता है, ये तो सबका मुझे याद है, सबको याद रह जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आइडियल टीचर मानते थे उसको, तो उसके वार्ड डे के हिसाब से ये नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को आता है। ये सब मेरा हिसाब से सबको ये ट्रिक्स नहीं पड़े, जरूरत नहीं पड़ेगा सबको याद रखना, फिर भी ट्रिक्स अगर चाहे तो स्टार्ट फाइव ईयर में आप याद सकते थे कि 5 सितंबर है नेशनल टीचर डे ऐसा। और एक देखिए वर्ल्ड टीचर डे आता है, ये हैगा नेशनल वाला, वर्ल्ड वाला एक आता है, वो भी हमारा जो टीचर डे आता है उसके बाद ही आता है, फिफ्थ वो भी 5 तारीख को आता है, लेकिन अगले महीने आता है, अक्टूबर को आता है। ठीक है, तो आपको नेशनल टीचर डे याद रहेगा तो ये अगले महीने आता है और 5 तारीख का, जैसे हम देखे थे नेशनल यूथ डे और वर्ल्ड यूथ डे दोनों आया था। ओके, तो इसको भी ऐसा याद रखना है। और आया है इंजीनियर्स डे, इसमें क्या आता, एम विश्वेश्वरा जो है विश्वेश्वरिया, तो उसका बर्थडे आता है 15 सितंबर को। टीचर बनने के लिए क्या होता है, 5 साल में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए क्या है 15 साल में एडमिशन लेना पड़ता है। ओके, तो ये होगा 15 सितंबर से याद रख सकते हो कि 15 में स्टार्ट, ऐसा याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल लॉ डे, जो क्या आता है 26 नवंबर को आता है। ये याद रखने के लिए देखिए, ये नेशनल लॉ डे जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद भी रखना है। कैसे याद रखेंगे, स्पेशल 26, स्पेशल 26 बोलते थे, एक अक्षय कुमार का एक फिल्म आया था स्पेशल 26, इसमें कौन था हीरो, अक्षय कुमार था। ओके, अक्षय कुमार का और एक फिल्म आया था जॉली LLB 2 बोल के, ठीक है, तो जॉली LLB में अक्षय कुमार क्या गया, वकील बना था इसमें अक्षय कुमार, तो इसमें वकील के साथ लॉ का रिलेशन है, तो ऐसे ही याद रख सकते हो। नेशनल लॉ डे जो है 26 नवंबर को है, 26 स्पेशल 26 जो है अक्षय कुमार का भी फिल्म था। ओके, ऐसे याद रख सकते हो। और नवंबर को कैसे याद रखोगे, देखो नवंबर मतलब 11th मंथ होता है वो, तो जॉली LLB 2 जो अभी निकल गया है, जॉली LLB 2 को 1-1 ऐसे लिख सकते हो, तो 1-1 मतलब 11 हो रहा है, तो नेशनल लॉ डे 26 नवंबर ऐसे याद रख सकते हो। ओके, और लास्ट में जो है नेशनल नर्स डे, ये आता है 13 मई को, ऐसे आप याद रखते हो माँ, और माँ से वुमेन, वुमेन मतलब नर्स जो है, नर्स जो सेवा और सर्विस देते हैं एक माँ के बराबर है, तो इससे आप माँ को रिलेट कर सकते हो नर्स के साथ, तो नेशनल नर्स डे जो है मई महीने में है। और 13 जो है, देखिए 13 जो है ये टीनेज स्टार्ट होता है, जो टीनेज जो है नर्स ज़्यादा जो होता है यंग होता है, तो उसके साथ ये 13 रिमाइंड कर सकते हो, 13 के साथ नर्स और नेशनल नर्स डे 13 मई। नेक्स्ट है डिजीज़, तो देखिए एंटी टोबाको डे 31 मई को है, लास्ट में लास्ट डे ऑफ लाइफ इसका टिक्स ऐसा है टोबाको, तो टोबाको मतलब जो होता है टोबाको से क्या होता है कैंसर होता है, तो कैंसर में क्या होता है आदमी मतलब जल्दी ही मर जाते हैं, तो लास्ट डे लास्ट नाइट लास्ट में लास्ट डे ऑफ लाइफ ऐसे याद रखना है। ओके, फिर देखिए टीबी डे, टीबी एक डिजीज होता है, ठीक है टीबी, तो वो आता है 24 मार्च को आता है, तो इसका ट्रिक्स ये है कि BD पियोगे तो टीबी में मरोगे, BD पियोगे तो टीबी में मरोगे। देखिए मरोगे ऐसे आप याद रख सकते हो मार्च में, BD इंग्लिश में BD, ओके फोर्थ अल्फाबेट होता है ये, सेकंड अल्फाबेट होता है, तो 24 BD पियोगे तो टीबी में मरोगे, तो टीबी से याद रख सकते हो टीबी डे, मरोगे से मार्च, और BD से ही 24 याद रख सकते हो, तो 24 मार्च को है टीबी डे। और होता है देखिए एड्स डे जो होता है, एड्स में क्या होता है आदमी मर जाता है, कन्फर्म डेट एड्स डे को आप आता है 1 दिसंबर को, एड्स डे जो है देखिए इसमें आदमी मर जाता है, तो इसीलिए इसको क्या रखता है दिसंबर है लास्ट महीना जो है लास्ट लाइफ लास्ट महीना, तो दिसंबर ऐसे याद रख सकते हो। और 1 दिसंबर है ये कन्फर्म डेट, मतलब आदमी कन्फर्मली जो डेट होता है जिस डिजीज में वो होता है 1 डिजीज जो होता है 1 डेट जो होता है वो एड्स में होता है, तो इसलिए कन्फर्म डेट 5 दिसंबर ऐसे याद रख सकते।
तो नेक्स्ट एंड लास्ट में आ रहा है मिसलेनियस। ओके, जो मिसलेनियस जो डे होता है उसका कुछ ट्रिक्स बनाया हूँ, उसको देख लेते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, देखिए फरवरी महीना जो होता है अगर लीप ईयर होता है तो इसमें 29 डे आ जाता है, हर 4 साल में होता है, और नॉर्मली क्या 28 रहता है उसका 28। तो इसका जो कॉज है ये कौन सा कोई साइंटिफिक कॉज है उसका, लीप ईयर, उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर का जो कॉज होता है साइंटिफिक कॉज होता है, कौन सा डे को साइंटिफिक कॉज में होता है, 28 फरवरी को। तो यहाँ से याद रखना है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। और देखिए नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को आता है, होता है ठीक है। तो सिक्योरिटी मान लीजिए किसी भी चीज़ का, मान लीजिए सिक्योरिटी है तो चार आदमी चारों तरफ रहेगा तो सिक्योरिटी चारों तरफ से रहेगा, ऐसा मान लीजिए कि चारों तरफ से सिक्योरिटी रहेगा। ओके, और जो आर्मी लोग होते हैं ठीक है, जो डिफेंस का लोग होते हैं उसका, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, मार्च करना पड़ता है, जो पैरेड करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मार्च करना पड़ता है। सब लोग एक ही साथ एक ही ताल में जो पैरेड करते हैं उसको मार्च बोलते हैं। तो 4th मार्च ऐसे याद रखिए, जो चारों तरफ से सिक्योरिटी रहेगा और उन लोगों को मार्च करना पड़ता है। 4th मार्च याद रहेगा आपका नेशनल सिक्योरिटी डे, और इसको सेफ्टी डे भी बोला जाता है, सेफ्टी डे भी और सिक्योरिटी डे भी बोला जाता है ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वुमेन डे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल है यहाँ पे, ओके ये सब चीज़ ध्यान में रखा है, कोई भी नेशनल होता है, कोई इंटरनेशनल होता है, कोई भी वर्ल्ड होता है ओके। तो इसको याद रखिएगा कन्फ्यूजन करने के लिए, ये सब अभी बहुत एग्जाम में दे रहा है ओके। तो इंटरनेशनल वुमेन डे, वुमेन में मार्च में देखिए माँ आता है तो माँ से याद रखना है वुमेन, वुमेन माँ मार्च, ये याद रह जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, 1 वीक के कितना डे, 7 डे होता है, तो वुमेन के लिए क्या करना है, 1 डे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई भी काम करने के लिए, मान लीजिए कि वुमेन को एक्स्ट्रा एक दिन दे दिया तो 8 दिन हो गया, तो मार्च का 8 दिन। जो फिजिकली पावर होता है वो वुमेन का थोड़ा कम रहता है ओके, तो उसमें क्या करना है, वुमेन लोगों को एक दिन ज़्यादा दे दिया, जैसे कोई भी एग्ज़ाम में हैंडीकैप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो इसलिए मैं वुमेन को यहाँ पे एक दिन ज़्यादा दे देता हूँ। 7 में 1 वीक होता है तो 1 वीक में एक दिन और ज़्यादा दे दिया, तो 8 मार्च हो गया। तो ये हो गया इंटरनेशनल वुमेन डे। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को आता है, सबको पता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, उससे अगला दिन, ऐसा याद रखना है, उसके अगला दिन क्या होता है, प्रीवियस डे में होता है वर्ल्ड रेडियो डे ओके। देन देखते हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे, रेडियो के साथ टेलीविज़न, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। तो T20 वर्ल्ड कप, 1 डे डिले इन टीवी। तो मान लीजिए कि T20 वर्ल्ड कप ऐसा कंट्री में हो रहा है जहाँ से हम लोगों का जो टाइमिंग है, इंटरनेशनल टाइम है, मान लीजिए कि 1 डे डिले हो रहा है ठीक है। वो लोग मान लीजिए कि इतना ईस्ट में है कि 1 डे डिले हो रहा ठीक है। तो इसमें देखिए वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, T20 से वर्ल्ड से टेलीविज़न याद रह जाएगा, T20 वर्ल्ड कप से वर्ल्ड टेलीविज़न याद हो जाएगा ओके। और T20 से याद रखना है 20 नवंबर को याद हो जाएगा 20, लेकिन 21 हो रहा है, मतलब एक दिन डिले हो रहा है, 1 डे डिले हो रहा है टेलीविज़न में। ये जो है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 1 डे डिले इन टीवी, ये ठीक सबको याद रह जाएगा। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे होगा 21 नवंबर को हो जाएगा ओके। तो चलिए थैंक यू, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।